अरे बॉस कहाँ है यार, आप अभी तक पहुंचे नहीं है। मियामी बीच और फ्लाइट ना लैंड होने वाली है। फ्लाइट? ओह फ्लाइट, आप अभी तक सो रहे हैं। बस मैं बीच से निकल रहा हूँ, फिर मैं पहुंचता हूँ। ओह अच्छा मियामी बीच। बॉस ये जो आप कर रहे हैं ना बहुत ही सस्ता वाला है, प्लीज अपना लेवल अप करें, उठ जाए, ऑफिस आ जाए, मीटिंग है भाई। हेलो रेहान, क्या हुआ भाई, कब पहुंचेंगे आप? अरे यार सॉरी यार, वो क्या है ना रात को इतना सनसनीखेज एपिसोड देखा, सोते सोते इतनी देर हो गई और मीटिंग का तो सही निकल गया। क्या टाइम क्या हो रहा है अब? 9 बज रहे हैं, 9:30 बजे मीटिंग है। अरे यार लेट हो गया मैं, आप बस सही है, मैं निकलता हूँ। सुन सोया की गाड़ी वाला सीन, उसका क्या हुआ? मेरी तरफ से सब कुछ डन है, आपने प्लान करना है कि आप देंगे कैसे। कोई ना कोई चक्कर तो चलाना पड़ेगा। आप उठें और ऑफिस पहुंचे यार प्लीज, आधा घंटा है आपके पास। ये लीजिए, बस 2 मिनट। हाँ ये तुम्हें रेहान, सुन यार मेरे कपड़े देखे ना नीचे यार। अरे बॉस आप कहाँ हैं यार, मीटिंग शुरू हो गई है, सब बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं आपका। अरे यार इस सोले में ऊपर आया ना मीटिंग करने के लिए, तो स्पॉन्सर करना दूर, मुफ्त की बोतल भी नहीं पिलाएंगे। अच्छा तो फिर कहाँ बदलेंगे कपड़े, बाहर रोड पे नीचे? हाँ ये सही बात बोली तूने, मैं कर लूंगा ना। नहीं बल्कि तू रख ऊपर ही, मैं आ रहा हूँ नीचे। अच्छा ठीक है ओके। हाँ उतर रहा हूँ यार। क्यों भूल गया इसका ज्वाइनिंग डेट? सॉरी भाई, वो अकेला उतरा ना तो घबरा गया मैं, अब बस उतर ही रहा हूँ, सॉरी। गिफ्ट इतना ही टाइम लेती है आने में। बेटा कोई अल्लाह का बंदा आगे लिफ्ट के पास है तो लिफ्ट को रोक ले बेटा। जी जी बाबा जी हम हैं यहाँ पे। बेटा आप तो हो और कौन कौन है? अरे हम लोग हैं भाई, आ रही है बाबा जी लिफ्ट। अच्छा मुस्टंडो दो ना तुम दो ना। जहाँ खूबसूरत लड़की देखी नहीं के इकट्ठे हो गए है ना। सुबह सुबह बुला लिया है, देख लेना आज भी बॉस नहीं आएंगे। अबे वैसे कौन सा आता है, और एक तो वो उसका चमचा रेहान हर जगह उसके आगे पीछे घूम रहा होता है। वे कहीं वहीं तो बॉस नहीं बन गए क्या? रेहान जी बॉस है? शक्ल है उसकी बॉस वाली, हालात तो कुछ ऐसा ही हैं। वैसे जो रियल बॉस हैं यहाँ के वो कैसे हैं, मतलब इजी गोइंग है या स्ट्रिक्ट है या बहुत ही खड़ूस टाइप? हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। अबे शक्ल तो उसकी भी नहीं है बॉस वाली। सॉरी बेटा। बाबा जी ध्यान से आराम से। सॉरी बेटा। अब ठीक है? अबे कहीं बीमार शिमार तो नहीं हो गए कहीं? हाँ हो सकता है, वैसे क्या पता जिसके दिल काले हो जाएं बीमारी हो जाती। लाहौले वाला कर। आजकल के नौजवान तो बेटा जिस कंपनी में जॉब करते हो बेटा उसी के मालिक के बारे में बेटा इतनी बकवास करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? अपनी कब्रों में क्यों बिच्छू और सांप बढ़ा रहे हो बेटा? इसे सही कह रहे हैं बाबा जी, बहुत गलत बात है। अबे चल यार ये तो मारता रहेगा। ओ बाबा जी चले। वैसे बेटा मैं कौन से फ्लोर पे जाना है? अब मुझे बाबूजी लास्ट फ्लोर पे जाना है। आपको किस पे जाना है? इसका तो मेरे वाले ऑफिस के फ्लोर पे जाना है। ये कैसी बात हो गई बेटा, हो गई आपकी शादी? इतना डायरेक्ट सवाल बाबा जी। अरे बेटा गुस्ताखी के लिए मैं चाहता हूँ माजरत। वो दरअसल क्या है ना बेटा, दुआ देनी होती है बड़ों को छोटों को, तो अगर तुम्हारी शादी होगी तो मैं बच्चों को दुआ। अरे नहीं बाबा जी कहाँ बच्चे, शादी नहीं हुई है, थोड़ी सी भी नहीं हुई बेटा। मतलब वो ही नहीं, लेकिन पता है तुम्हें देख के ना ये कहने को जी चाहता है कि जैसे तुम्हारा जो प्यार है जीवन साथी होने वाला वो तुमसे बस एक कदम दूर है। हाँ? वरना पकड़ लो बेटा, नहीं तो फिर आजकल के दौर में कहाँ मिलते अच्छे लड़के। तो जी हाँ। जी हाँ। बेटा मुझे पकड़ लो। जी बस लिफ्ट में आ गई है बेटा। बाबा जी आगे ले बॉडी लोगे बेटा। नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगा बेटा, मेरा सांस घुट जाता है। नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगा। कैसे जाएंगे? जाओ बेटा जाओ, आप जाओ बेटा। शौकी कुछ मिला है इससे पहले पहुंचना है। तुम मुझे बता नहीं सकते थे क्या जो है ना ऑफिस आना? ये टेंशन है मेरे जहन से निकल गया। जहन से निकल गया? जहन के चक्कर के अंदर ना मेरी बैंड बच सकती थी। अच्छा ना कोई बात नहीं ना, अब देखिए मीटिंग में से मैं आप और क्लाइंट है वो थोड़ी आएगी। हाँ तो वहाँ पे ना अपने जहन को संभाल के रखना वो हो गई। यस सर रेहान जी। मिस ज़ोया ये क्या हो रहा है ऑफिस में? क्या हुआ कुछ हुआ है क्या? हाँ मतलब बॉस, आपके बॉस कहाँ है? इतनी बड़ी पोस्टिंग में मुझे हायर किया है, कोई सवाल कोई जवाब कोई मीटिंग कोई कुछ नहीं, उनका कोई अता पता ही नहीं है। जो सब सवाल मैं पूछे थे वो मैंने पूछे थे, मैंने थोड़ी ना पूछे थे, बॉस ने पूछे थे। बॉस के सवाल थे, मैंने आपसे पूछे थे। हाँ लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर यही सब चलता रहा ना इतनी लापरवाही से वो अपनी कंपनी को लेना शुरू हो गए ना तो ये तो कंपनी दिनों में डूब जाएगी। अच्छा नहीं क्यों? क्योंकि ऑफिस के एम्प्लॉइज ने उनके बारे में गॉसिप्स करना शुरू कर दिए हैं। कोई कहता है कि उनके करतूत काले, कोई कहता है उनका दिल काला है। काला? अच्छा क्या हुआ? जोया जी आप टेंशन ना ले, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन बॉस ऑफिस आएंगे और जिस दिन वो ऑफिस आएंगे इन सबका दिमाग ठीक कर देंगे, वादा। आए तो फिर ना। एनीवेज आप मुझे बताएं कि आज क्या क्या काम करना है, कौन से कपड़ों का है, टास्क जो भी है मुझे बता दो। क्या कितनी हो गई हैं, बहुत छुट्टी हो गई है यहाँ पे। आपको कहा था छुट्टी ने, नहीं मुझे काट रही है। छुट्टी कहते हैं उसे, छुट्टी 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 आपकी छुट्टी। हाँ नहीं मतलब ये ओहो देखे ना बॉस की ईमेल आ गई, कह रहे हैं ऑफिस बंद कर दो, सबको छुट्टी दे दो, तुम भी कर जाओ, मैं भी कर जा रहा हूँ, सब कर जाए, जय खुदा चाहिए सबको बता दो छुट्टी है फिर आज। हाँ जाके सबको गार्ड वार्ड सबको कहते शटर गिरा रहे हैं, बस ऑफिस बंद कर रहे हैं, खत्म छुट्टी, बाय बाय बाय। वाह, ये हमने नहीं ली है, कैसी है? हमने बिल्कुल ऑर्डर पे बनवाई, अच्छी है, पसंद आई, तारीफ करें। गुड, ओके बाय। मैं सबको बता देती हूँ। यस यस सबको बताएं, सबको गेट तक छुट्टी। उसको छुट्टी देने के लिए बोला, पूरे ऑफिस को छुट्टी जान ले लूंगा तेरी मैं। तो क्या करता हूँ मैं, दिमाग की खिचड़ी बन गई है मेरी, चक्कर में किस साइड हो आप, उस साइड हो किस साइड हो? साइड हो सर, मैं इसी साइड हूँ, लेकिन अगर उससे पता चल गया ना तो मेरी कंट्रोल शटर डाउन कराएगा ऑफिस का। जाओ और टेल मी अबाउट माय मीटिंग्स दैट आई हैव इन द चेयर। ओह माय गॉड, ओके यस यस तू चलना। जिंदगी यूं इस मोड़ पर आके मेरा इम्तिहान लेगी, कभी सोचा नहीं था। क्या इजहार अंकल जानने के बाद कि मैं इसरा का भांजा हूं, मेरी और अमल की शादी होने देंगे क्या? अपनी तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन तुम्हारी अधूरी मोहब्बत को पाए तक मैं तक पहुंचाऊंगा। गोली खाई है आपने कभी? तो बेटा हॉस्पिटल में पूरा इलाज करवा के आते हैं ना। ये तोता मैना तो देखो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिनना शुरू कर दे। आपके मामू जान यानी मेरे भाई जी कराची आ रहे हैं। क्या क्या? I am कमज़िया तूने मेरे प्यार। शौकी, ओ शौकी कहाँ है तू? शौकी? जी जी। आप कौन हैं शौकी? नहीं बाबा, मेरा नाम तो बंटी है, बंटी खान। हाँ साहब, वो तुझे खाए भी डालता है। कहाँ है वो शोखा? शौकी बाबा, शौकी बाबा पता नहीं, मैंने नजर नहीं आया मुझे अभी तक। तो नाश्ता किसने बनाना है? मैं तो उसे सुबह रोज याद दिलाता हूँ कि वो ना। एक मिनट निराली जी, आप आज इसमें बगैर नाश्ते के? ये तो वही मिसाल हो गई, अंधा बगैर अपनी लाठी के। मैं नाबीना या अंधी नहीं हूँ, लेकिन लाठी है मेरे पास। लाठी चुप थे तो मैं तेरे नाल करनी है ना। बुला को पता चला है। अरे बुलाओ खंडराम को, उसका इंतजाम मैं करती हूँ, जल्दी बुला। मैंने पूरा घर देखा, मुझे कहीं मिला नहीं वो। मुझे अरे घर देख लिया, घर पे है ही नहीं। इसकी ये जुर्रत। मिस्टर जुनेद, मिस्टर इकबाल, सो सॉरी आप लोग को वेट करना पड़ा। हाउ यू गाइस? वेलकम। जबरदस्त, हमें तो आज ऐसे लगा कि आपसे मुलाकात हो भी पाएगी कि नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअली मैं तो बस आप दोनों से मिलने के लिए स्पेशली दुबई से मैं फ्लाइट लेके मैं आया हूं सुबह। तो शाहरुख साहब, क्या प्रपोजल है? सर प्रपोजल इज फैंटास्टिक, आप लोग सुनेंगे ना खुश हो जाएंगे आप। एक्चुअली इस बार फॉर अ चेंज हमने बहुत ज्यादा अटेंशन दी है ऑन द पब्लिसिटी, द पीआर, यू नो, हाउ वी डिस्प्ले क्लोथ्स, वेयर वी डिस्प्ले देम, वर्ड ऑफ माउथ, यू नो। एक्चुअली आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे लेटेस्ट डिजाइन के कुछ डेमोज हैं। हम लोग इस बार सिर्फ ब्राइडल पे या यू नो शादी के कपड़ों पे ही नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हैवी क्लोथ्स पे काम नहीं करेंगे, बल्कि हम काम करेंगे ऑन दिस स्लीक डिजाइन, स्लीक ट्रेंडी ट्रेंडी एग्जैक्टली ट्रेंडी। एंड इसके साथ साथ हमारा जो लॉन्च है, I think it's going to be the most grand launch ever in the fashion history. हमारे पास guests पूरी दुनिया से आ रहे हैं। We have some people coming from Switzerland, from Australia. There's a designer coming from Germany. So it's going to be out of this world. हम actually ब्राइडल कचोर वीक में भी अपने कपड़े डिस्प्ले करेंगे। So फिलहाल बात है launch की, जो बहुत ही ग्रैंड होगा। एज आई टोल्ड यू, पूरी दुनिया से लोग आएंगे। तो हमारी रेड कार्पेट पर, जहाँ पूरी दुनिया की सेलिब्रिटीज, हमारे लोकल सेलिब्रिटीज होंगे, उसके बैकग्राउंड में सोचिए, सामने सेलिब्रिटीज, पीछे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पर सिर्फ आपका जलवा, सामने सेलिब्रिटीज जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। माय गॉड। अरे शाहरुख साहब, इस इवेंट को स्पॉन्सर करना हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। अरे थैंक यू सर, आप लोगों से यही उम्मीद। देखिएगा मैं और आप मिलके तहलका मचा देंगे, दिलों में लोगों के फैशन के लिए घंटियां बजेंगी। उठाओ फोन, मिलाओ। बैल बैल जा रही है। बैल तो बजाती हूँ मैं इसकी। So sorry, actually situation कुछ ऐसी है कि सब चुप रहे। एहतरामन चुप रहेंगे। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं हूँ। ये मैं क्या लगा रखी है बकरे? आप ये बताइए कि सुबह से मेरे कहाँ तशरीफ ले गए आप? हंसे ना, सब्जी खत्म हो गई थी ना तो मैं मंडी आया। ना किससे पूछ के? अब मैंने बताया था, अब बंटी को मैंने बताया था। टमाटर, टिंडे, बंटी तेरा प्यो लगता है। देखिए दरअसल बात इतनी सी है कि प्लीज इस बार माफ कर दीजिए, लकी कसम को कहता हूं मैं तुम्हारा कभी नहीं करता। सबक सिखाए बगैर तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और माफी तो तुम भूल ही जा। जहाँ तुम खड़े हो ना वहीं पर अपने मुंह पे दो चमाटे मारो, आवाज ज्यादा आनी चाहिए। ऐसे कैसे? दरअसल मैं अभी थप्पड़ मारता है या फिर मैं? ठीक है, सब क्लैपिंग करेंगे, सब क्लैपिंग करेंगे। शौकी साहब आप ज्यादा शौके ना बने, ये जो थप्पड़ और गाली में फर्क होता है ना मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। चल दो तमाचे लगा मुंह पे कस के, नहीं तो आऊं मैं वहां। ओके। आपको आवाज आई? अब तो ऐसा कर, फोन स्पीकर पे डाल, आज मौका मिल ही गया तो ये सब्जी वाली की तबीयत भी मैं खरी कर दूं, वो भी रेट बढ़ा देता है। देखिए ये नहीं हो पाएगा वो दरअसल। अरे स्पीकर पर डालना, बात करा मेरी। ओके। देखिए मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि प्रॉब्लम क्या है, अभी प्लीज एडजस्ट। डाल दिया है। आलू टिंडे, आलू टमाटर। और शुतुरमुर्ग के मुंह वाले कान खोल के जरा मेरी बात सुन, अगर तूने 60 रुपए से एक पैसा भी ज्यादा लिया ना तो बस फिर तू तैयार हो जा, मैंने उधर आके तेरा ठेला उल्टा देना है, तुझे भी, समझा तू? खबरदार तूने इस टींडे वाले को ना 1 रुपया भी दिया। सब्जी पकड़ ताजा ताजा सारी, फौरन घर पहुंच, 2 मिनट में पहुंच, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं अभी आया मैं। मेरी माँ, खाला नहीं माँ, अच्छा अम्मी की बात हो रही है। अम्मी की माँ दरअसल खानदानी प्रॉब्लम है, मेरे नानकों में, मेरी अम्मी में और मेरी खाला में स्किज़ोफ्रेनिया है सर उनको, और थोड़ी बायोपोलर भी है। अम्मा मेरी बार-बार कह रही है मेरी तो जिंदगी सर ऐसे पर। I'm very sorry sir, I would come back to try. बहुत ज्यादा नहीं रोना, वादा करो। बॉस एक बात बोलनी है मुझे। जिंदगी में बड़ी बड़ी मिसालें देखी है मैंने, और लोगों के सामने ऐसी मिसालें कि इंसान जब कुछ नहीं होता बड़ी मेहनत करता है, गरीब होता है, अमीर होना चाहता है मैं दिन रात एक कर दूं, मेरे पास पैसे हो, और फिर एक मिसाल मिलती है आपकी कि अमीर से गरीब का सफर आपने यूं चुटकियों में तय किया है, मतलब सीधा गुलाम ही में चले गए, गुलाम बन गए, नौकर बन गए घर पे। वाह, देख मैं चाहूं भी ना तो तुझे समझा नहीं पाऊंगा।